जो सज्जनों से वैर रखते हैं वे सब नरक में जाते हैं, और जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं, सज्जनों से वैर रखते हैं, बिना अपराध के जो दंड देते हैं वे नरक में जाकर गिरते हैं। आशा करके आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को रसोई तैयार होने पर भी जो भोजन नहीं करवाते हैं, जो सब जीवों में विश्वास दया नहीं करते हैं, सब प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और उन नियमों को छोड़ देते हैं, वे नरक में जाकर गिरते हैं। आध्यात्म विद्या के देने वाले गुरु को और पुराण बांचने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्र से बैर करने वाले, प्रीति का त्याग करने वाले और आशा भंग करने वाले, ये सब नरक को जाते हैं। विवाह, देव यात्रा, तीर्थ यात्रा, साथ जाने वालों को जो लूटता है वह घोर नरक में जाकर गिरता है, वहाँ उस नरक से वापसी कभी नहीं लौटता है। जो महापापी गांव या वन में आग लगाता है उसको ले जाकर यमदूत अग्नि कुंड में पकाते हैं। अग्नि कुंड में जलते शरीर वाला जब वह छाया की चाह करता है तब यमदूत उसे असी पत्र वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार के से पहने पत्रों से जब उसका शरीर कट जाता है तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, सुख से शीतल छाया में सो। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पिला देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ, फिर उसे पीते ही उसके आंतें जल जाती हैं और वह गिर पड़ता है। फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोता है और विवश होकर लंबी सांस लेता है पर बोल नहीं सकता। हे गरुड़, इस प्रकार संक्षेप में पापियों की बहुत सी यातनाएं कही हैं, उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या है, ये तो सब शास्त्रों में कही गई हैं। इस प्रकार हजारों स्त्री पुरुष प्रलय काल तथा घोर नरक में पचाए जाते हैं। फिर तुम पाप का अक्षय फल भोगकर वही नरक में पैदा होते हैं अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर की योनि में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत और तृण, इनको स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता, ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं, परंतु नरक से आए हुए प्राणी जो मनुष्य को योनि में जाते हैं वे चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहां भी पूर्व जन्म के पाप के कारण में बहुत दुखी होते हैं। गलित, कोढ़, जन्मांध और बड़े बड़े रोगों से स्त्री और पुरुषों को जाना जाता है कि वे पाप भोगकर आए हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो।
हरि गोविंद बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। लोग आते हैं तो उनमें चिन्ह होते हैं, उनका विवरण किया गया है कि ये नरक से आया है, तो आप ध्यान से सुनिए। करुण जी ने कहा, हे प्रभो, जिन जिन पाप कर्मों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं, वह सब आप मुझसे कहिए। भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है, वह सब मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है, गऊ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोड़ी होता है, ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं, स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिद नाम का मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है, अगम्य स्त्री में गमन करने वाला अर्थात नपुंसक होता है, और रूपत्ती में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है, मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है, और जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से अभक्षण अर्थात भक्षण करते हैं, उनके पेट बहुत बड़ा होता है, जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट भोजन स्वयं खाता है, वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है, जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है, वह सफेद कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है, अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है, वह मूर्छा अर्थात मृगी के रोग से पीड़ित होता है, शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला, वह निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है, पंक्ति भेद करने वाला काना होता है, और लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिगर होठ का होता है, जो पुस्तक चुराने वाला जन्मांध अंधा होता है, गऊ ब्राह्मण को लात मारने वाला खंज तथा पंगु होता है, असत्य बोलने वाला गदगद हकलाने वाला होता है, झूठ सुनने वाला बैरा होता है, विष देने वाला मूर्ख उन्मत्त होता है, और घर में आग लगाने वाला खलावट, मांस बेचने वाला दुर्भग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है, रतन चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न चुराने वाला मूसा होता है, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी होता है, और जल को चुराने वाला पपीहा होता है, और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है, शाक और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है, गंध चुराने वाला छचुंदरी होता है, मधु चुराने वाला डांस होता है, मांस चुराने वाला गिद्ध होता है, और नमक चुराने वाला चीटी होता है, पान फूल फल को चुराने वाला वानर होता है, जूता
ऊतरन, कपास आदि को चुराने वाला भेड़िया होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृगया करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान कर मरने वाला होता है। सदा दंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि वैश्य देव करने वाला ब्राह्मण जो नीच के अन्न का भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जाप नहीं करते और जिनका अंतःकरण मलिन है, ऊपर से स्वयं बने रहते हैं, वे बगुला का जन्म पाते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ करवाते हैं वे गांव के सुअर होते हैं। जो बहुतों की पुरोहिती करते हैं वे गधा होते हैं। और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण जो विद्या नहीं देता है वह बलवान बलि अर्थात बैल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला, विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वह भेदकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध होता है। धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर होता है। द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा और चकवी होता है। माता पिता गुरु भाई बहन से वैर करने वाली हजारों जन्म लेते हैं और गर्म में ही नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जौक होती है। नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली ढील जुआ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है वह गोह अथवा दो मुंह की सापिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाली, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाली, तरक्षु और शल्लकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री में भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की स्त्री में गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री गमन करने वाला गधा होता है। गुरु गुदा में गमन करने वाला सुअर, व्रकली शुद्रा में गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक में एकादशा के दिन भोजन करने वाला कुत्ता होता है और देवताओं के भोगों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देवकार्य तथा पितृकार्य में निंदित होता है। महापातकों को युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके पाप कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वह महापात की ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा ऊंट और भैंसे की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पान करने वाला भेड़िया और कुत्ता सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला
कीड़ा मकोड़ा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला कम से तृण लता वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला, ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद तारा पर्यंत जला देता है। लोहे और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रीति ब्राह्मण को दान देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर कभी राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़, अतिक्रम करने में कम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है, दान देने वाला नहीं होता अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा औरों की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए हुए पद को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में निवास करता है। भूमि और जीविका देकर अक्षुण बनाने की यतन चेष्टा ये करोड़ पुराण का 6th अध्याय है, अर्थात 6th अध्याय है। इसमें वर्णन किया गया है कि माता की कोख से कैसे जीव उत्पन्न होता है और संसार में आकर किन किन कर्मों के करने से बाद में वहीं चला जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भ आदि का दुख भोगते हैं, वह आप मुझसे कहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर और रस से गर्भ में तहर जाने से हाथ खोलो भैया हाथ हाथ बंद मारा जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है उन्हीं 3 दिनों में पापियों की देह की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांद डालनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन धोबिन संज्ञा होती है। ये ही नरक से आए हुए की माता होती हैं। देव ईश्वर दृष्ट अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्यकरण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश होता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्य अधिक से पुरुष रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्य रज के विभाग से 2-3 आदि संतानें होती हैं। एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्बुद अर्थात बुलबुला के समान गोल, 10 दिन में
करकंद बेर के फल के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप का होता है। एक महीने में सिर और दो महीने में बाहु आदि अंगों से युक्त होता है। तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंग आदि छिद्र होते हैं। चौथे महीने में सातों धातुएं और पांचवें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। छठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ जीव दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्नपान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है, जिससे कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़ों से काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि दुखद पदार्थों से स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहाँ वह जरायु में लिपटा हुआ बाहर आंतों से गिरा हुआ कोख से सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है। वहाँ भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, जिससे सैकड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्त धातु रूप बंधन में बंधा हुआ ऋषि आत्मदर्शी जीव दर का मारा हाथ जोड़कर विकल प्राणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिसने की उदय में स्थापित किया है। सातवें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार अशुभों पापों के नाश करने वाले शरण में आए हुए की पालना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में मैं आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर मैं और स्त्री पुत्रों में और मेरे अभिमान से अर्थात यह मेरा शरीर, यह पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, संसार में प्राप्त हुआ है। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ अशुभ कर्म किए थे उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए। यदि मैं इस योनि से छूट जाऊँगा तो आपके चरणों का स्मरण करता हूँ। ऐसे जीव माता की कोख में वादा करता है। फिर ऐसा उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ मैं जठराग्नि से जल रहा हूँ। यहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे बाहर कब निकालोगे? जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है मैं उन्हीं की शरण में प्राप्त हूँ। फिर मेरा संसार में आवागमन न हो। मैं कर्म से बाहर कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े दुख से पड़ा हुआ भी कलेशित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार में अपना उद्धार करूँगा। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़,
इस प्रकार की मतवाला 10 महीने का जी गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएक फेंका हुआ वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। जब बच्चे का पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है उसके बाद में बच्चा रोता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराण सुनने में जो मति होती है, यदि वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए, अर्थात सब छूट जाए। कर्म भोग के बाद जब गर्भ से बाहर आ जाता है तब ही विष्णु भगवान की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित होकर वह विवश होकर कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन के दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाले माता पिता दी से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख करने के लिए असमर्थ हो जाता है। स्वेदज, जू, खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजलाने और वहाँ से उठने की चेष्टा करने में असमर्थ हो जाता है। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव कोमल खाल में काटते रहते हैं। तब वह ज्ञान रहित होने से रोता है। इस प्रकार बालकपन के दुख को भोगकर फिर पौगंडावस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवन अवस्था में आकर आसुरी संपदा, दर्प, अभिमान आदि छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है। तब वह महाकापी, लंपट, शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है। देव माया रूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्ष आदि से लोभित इंद्रियों के वश में हो अग्नि में पतंग के समान अंधतम में गिरता है। हिरण, हाथी, पाखी, भ्रमर और मछली पांचों एकोएक इंद्रियों से व्याकुल विषय में फंसकर मारे जाते हैं। और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है कैसे नहीं मारा जाता। इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध में इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विवाह के आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नरदेह को नाश कर देता है। अतः इससे बढ़कर पापी कौन होगा। पशु आदि सैकड़ों जाति में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यम नियम धारण
आदि धर्मों का पालन नहीं करता और इंद्रियों का सेवन करता है, उसने आलस्य के हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। तरुण के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से गिरकर मर जाता है और पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को चला जाता है। इस प्रकार आगमन रूप कर्म फांसों में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित होकर वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की दुर्गति तुमसे कही और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।